द्रंग ब्लॉक कांग्रेस ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन की मजबूती को लेकर पंचायत स्तर पर कमेटियों के गठन का अभियान जारी है। इसी कड़ी में रविवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत कुन्नू में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त कैप्टन चमनलाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। योगेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल, मान सिंह, भाग सिंह, गर्जा राम, गुड्डू राम, दिनेश कुमार उपाध्यक्ष, शमी कुमार महासचिव, गगन कुमार यादव सचिव, जय सिंह यादव कोषाध्यक्ष, धर्मचंद को सलाहकार चुना गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संजय कुमार को सौंपी गई, जबकि हेमंत कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया। नरेश कुमार को झुंडर, जितेंद्र कुमार कुन्नू और धर्म सिंह को साहल बूथ की कमान सौंपी गई। द्रंग कांग्रेस कमेटी ने पूरे द्रंग चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी को कांग्रेस कमेटियों का गठन करने का बयान छेड़ा है और हमने अभी तक लगभग 42 पंचायतों में कांग्रेस कमेटियों का गठन कर लिया है। आगे भी इस हफ्ते हम लगभग 12 पंचायतों में और जाएंगे, वहाँ भी कांग्रेस कमेटियों का गठन करेंगे। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ कुन्नू में आए थे। कुन्नू में हमने कांग्रेस कमेटी का गठन करा, जिसमें कि मीटिंग में लगभग 55 लोगों ने भाग लिया और सरस्वती से वहाँ पे कैप्टन चमनलाल जी, जो सेनानिवृत्त हैं, उनको द्रंग अपने कुन्नू पंचायत का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। योगेश कुमार को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और आशा करता हूँ कि ये जो कमेटी आज हमने यहाँ गठित करी कुन्नू में, ये कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएगी, हर आदमी तक पहुंचाएगी और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है, उसकी नाकामियां, जो कोई भी हमारे यहाँ विकास के काम नहीं हो रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, इन सारी बातों को लेकर के वो गांव-गांव में जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और नई कार्यकारिणी जो आज हमने यहाँ कुन्नू में बनाई, मैं उनको एक बार फिर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, नगरोटा बगवा, कांगड़ा।